गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इंटरेक्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कौन कौन सी एल्गोरिथम आती है, मुझे आपको राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी एल्गोरिथम दोनों बतानी है आज। तो इंटरेक्टिव में क्या आएगा, राउंड रॉबिन आएगी और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आएगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं नॉर्मली इंटरेक्टिव और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ ले जाता हूँ। तो अगर हम इंटरेक्टिव की बात करें तो इंटरेक्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या देखते हैं कि यूजुअली प्रीएम्प्टिव, मोस्टली क्या होती है प्रीएम्प्टिव होती है। और प्रीएम्प्टिव में क्या देखते हैं कि टाइम स्लाइस है हमारा, टाइम स्लाइस इन क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है टाइम इंटरवल। तो टाइम स्लाइस इनटू क्वांटा टाइम इंटरवल। शेड्यूलिंग डिसीजन इज ऑल्सो मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वांटा। जो शेड्यूलिंग डिसीजन है, जो शेड्यूलिंग का डिसीजन हमें लिया, इट आल्सो मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईच क्वांट, यानी कि शेड्यूलिंग डिसीजन इज आल्सो मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वांट। जब भी हम शेड्यूलिंग डिसीजन करते हैं तो प्रत्येक क्वांटम से स्टार्टिंग करते हैं, बिगनिंग ऑफ ईच क्वांटम ये हम बना के चलते हैं कि जितने भी प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4, उन चारों प्रोसेस में एक चीज यह दिमाग में आती है कि P1 को कितना टाइम दिया जाएगा, P2 कितना टाइम दिया जाएगा, ये चीज वहां पर आ जाती है। इसको हम वहां पे कोशिश करते हैं। SIC परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज इनिशियल वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और फेयरनेस। फेयरनेस में क्या है कि प्रोपोर्शनल रिसोर्स एलोकेशन हम देखते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा आपको अभी। और रिप्रेजेंटेटिव एल्गोरिथम इसमें कौन कौन सी होती है, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है, ये दो होती है। इंटरेक्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अब राउंड रॉबिन क्या है बेसिकली, देखिए इसमें हम ये देख रहे हैं कि मोस्टली हम इसमें ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि राउंड रॉबिन में कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज शेड्यूलिंग, नॉर्मली ये एल्गोरिथम बहुत ज्यादा यूज होती है। इसमें क्या है, सिलेक्ट द प्रोसेस ऑफ थ्रेड फ्रॉम रेडी क्यू इन अ राउंड रॉबिन फैशन, टेक टर्न, मतलब कि जो भी हमारा प्रोसेस है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं प्रोसेस या थ्रेड को, वो रेडी क्यू से थ्रेड करते हैं इन अ राउंड रॉबिन फैशन। तो ये CPU है, ब्लॉकेज है या कंप्लीशन, जो भी आपके CPU है या आपके प्रोसेस है ABC, तो प्रीएम्प्शन आफ्टर क्वांटम एक्सपायरी, जब क्वांटम आपका एक्सपायर हो जाता है तो प्रीएम्प्शन के बाद आपको क्वांटम यहाँ एक्सपायर करता है, तो प्रीएम्प्शन आफ्टर क्वांटम एक्सपायरी। प्रियंसन आपका कब शुरू होता है, जब क्वांटम आपका एक्सपायर हो जाता है। तो डज नॉट कंसीडर प्रायोरिटी कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवर है, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच बढ़ता है, इसमें कोई प्रायोरिटी को कंसीडर नहीं किया इस वाले एल्गोरिथम राउंड रॉबिन, जो मोस्टली कॉमनली इसको हम यूज करते हैं सिंपलेस्ट वे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अगर हम एग्जाम्पल देखें राउंड रॉबिन का, तो एक प्रोसेस है, दूसरा ड्यूरेशन, ऑर्डर और अराइवल टाइम, यानी कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसकी प्रोसेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका अराइवल टाइम क्या है। तो प्रोसेस आपका P1, P2, P3 है, ड्यूरेशन दिया है यहाँ पे, ऑर्डर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसमें क्वांटम जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है मोस्टली तो इसका जो क्वांटम है बेसिकली अगर हम देखें तो एक यूनिट का है, और P1, P2, P3 नेवर ब्लॉक, ये ब्लॉक नहीं होगी जब इस यूनिट पे काम करें। तो P1, P2, P3 देखिए किस तरह, पहले P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, ऑर्डर ये दिया हुआ है, फिर P1, P2, P3, फिर P1, P2 एंड फिर P2, P3। तो इसमें देखते क्या है कि P1 का जो ड्यूरेशन है वन है, ड्यूरेशन 3 है, ऑर्डर 1 है, तो P1 पहले लग गया, एक यूनिट के बाद P2 आ गया, आप देख ही रहे होंगे P2 आया, अब P2 का ड्यूरेशन ऑर्डर 2 है आपका,
इसमें फोर है तो ए की कैरेक्टरिस्टिक कम होती गई, फिर पी थ्री आ गया, अभी तीनों बचे हुए, फिर से पी वन आया, ये देखिए, फिर पी टू आया एंड फिर पी थ्री आया। इसके बाद अभी भी पी वन सेफ है तो एक बार पी वन और आया, फिर पी टू आया एंड देन पी थ्री आया। तो इसमें क्या है कि पी वन थ्री टाइम्स देखिए आया, पी वन पी टू एंड पी थ्री, थ्री टाइम्स पी वन कॉन्टेक्ट स्विच हुआ, तो कॉन्टेक्ट स्विच थ्री टाइम हुआ तो थ्री इंडस्ट्री खत्म हो गई। इसी तरह पी टू आपका वन टू थ्री अभी तक थ्री तक आया, यहां तक देखें अगर हम थ्री तक आया, इसका एक बचा हुआ पी थ्री भी हमारा इसी तरह कंप्लीट हो गया। अब बचता है लास्ट में पी टू, तो इसके बाद जो भी प्रोसेस बचती है एग्जीक्यूशन के लिए वो आपका शेड्यूल हो जाता है। तो अगर हम वेटिंग टाइम देखें, पी वन का वेटिंग टाइम देखें कि पी वन का वेटिंग टाइम कितना होगा, तो पी वन आपका जीरो सेकंड से लगा, एक यूनिट चला, एक आपका ये रहा, तो पी वन का वेटिंग टाइम अगर हम कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू उसके, पी टू वेटिंग टाइम क्या है, सिक्स बोल रहा है, पी थ्री का वेटिंग टाइम क्या कह रहा है, सिक्स कह रहा है। तो इनिशियल वेटिंग टाइम पी वन इज जीरो, अगर हम गौर से देखें कि पी वन का इनिशियल वेटिंग टाइम जीरो है और पी थ्री का, पी टू का इनिशियल वेटिंग टाइम वन है, पी थ्री का टू है, अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो है, यहाँ पे इसका वन होगा, यहाँ पे इसका टू होगा, ठीक है। लेकिन टोटल वेटिंग टाइम कितना करना पड़ा ये हमें पी वन का देखना होता है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना आया एक, यहाँ पे वेटिंग टाइम देंगे तो यहाँ पे होगा वन, यहाँ पे होगा टू, यहाँ पे होगा थ्री, तो यहाँ पे थ्री रहा, इसके बाद फिर थ्री, यहाँ पे थ्री रहा ना, यहाँ का तो हमें काउंट करेंगे थ्री का, लेकिन वन टू एंड थ्री फोर, वन टू थ्री यहां तक है। इससे पहले वेटिंग टाइम हमको देखना है कितना हो सकता है, क्योंकि इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब पी थ्री लगा रहा उस समय एक वेट किया उसने, फिर पी टू में लगा रहा उसने ये वेट किया, तो दो ये हो गए, फिर इसके बाद दो ये हो गए। आपको सिर्फ ये देखना है कि पी वन यहां तक आया, यहां तक पी वन आया। अब इसके थ्रू देखिए पी वन में ग्रीन लगा हुआ है, जहां जहां ग्रीन है पी वन है, ये पी वन में ग्रीन है, यहां पी वन में ग्रीन है, यहां पी वन में ग्रीन है, तो इन तीनों ग्रीन में ये देखिए यहां तक, इसके बाद अगर पी वन कहीं नजर नहीं आ रहा तो देखिए कितने इसका वेटिंग टाइम हो सकता है नॉर्मली। तो वेटिंग टाइम कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहां ये पी टू है वन, पी थ्री वन, वन प्लस वन कितना टू, यूनिट टाइम वन ही है आपका, वन प्लस वन ये, यहां वन प्लस वन तो टू, तो यहां फोर आपका वेटिंग टाइम हो गया। इसी तरह पी टू को देखें तो पी टू में देखिए इसने क्या रखा है, रेड रखा है, देखिए रेड रखा है, तो इन सभी रेड को छोड़ दो, फिर काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो पी टू का वेटिंग टाइम कितना है, सिक्स हो गया। अगर पी थ्री की बात करें, अगर हम पी थ्री की बात करें तो पी थ्री में हम क्या देखते हैं, पी थ्री में जो वेटिंग टाइम है हमारा, पी थ्री की बात करें, पी थ्री का जो वेटिंग टाइम हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है नॉर्मली पी थ्री वेटिंग टाइम में, कि जो ब्लू वाला है इसको हम छोड़ दें, तीनों को बाकी काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन हाँ यहां तक पी थ्री आया, तो इस वाले को छोड़ना पड़ेगा, यहां जो पहले देखिए इस लास्ट वाले के पहले आप देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो पी थ्री की वेटिंग टाइम कितना है, सिक्स, ठीक है। इस तरह इन तीनों को ऐड करके हमने इसका एवरेज वेटिंग टाइम यहां पर निकाल लिया, जो आपने देखा कि कितना एवरेज वेटिंग टाइम यहां पे रहा, ठीक। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं इसमें, चूजिंग द टाइम क्वांटम, देखिए टाइम स्लाइस कूल आर फीफो बिहेवियर अ पुअर इनिशियल वेटिंग टाइम, टाइम स्लाइस टू स्मॉल
टू मैनी कॉन्टेक्ट स्विचेज इन इफिशियंट सीपी यूटिलाइजेशन, ये चीजें। अगर आपका लार्ज होता है तो टीपो बिहेवियर आपको वहां पे मिलेगा, पुअर इनिशियल वेटिंग टाइम आपका पुअर हो जाएगा। यदि टाइम स्लाइस टू स्मॉल है तो टू मैनी कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे और इनइफिशियंट सीपी यूटिलाइजेशन होगा। तो ह्यूरिस्टिक में देखेंगे 70-80% ऑफ जॉब ब्लॉक विद इन द टाइम स्लाइस। तो इसमें हम क्या देखते हैं, करीब अगर हम देखें कि 10-100 मिलीसेकंड डिपेंड ऑन द जॉब जो टाइम स्लाइस, तो 70-80% जॉब ब्लॉक जो है विद इन द टाइम स्लाइस। तो टाइम स्लाइस के साथ में आप 70-80% जॉब आपकी ब्लॉक। तो टिपिकली टाइम स्लाइस करता हूँ कि 10-100 मिलीसेकंड डिपेंड ऑन द जॉब, इसकी जॉब प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगी। अब जैसे कि मैंने आपको शॉर्टेज जॉब बताया रहा था, तो शॉर्टेज जॉब तो मैं आपको बता चुका था, ये मैंने राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मैं आपको कुछ स्लाइड में ले चलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ। अब आपको मैं देखिए हम बात कर रहे थे राउंड रॉबिन। देखिए एक बेसिक क्या है कि एफसीएफए की स्कीम है पोटेंशियली बैड और शॉर्ट जॉब डिपेंड्स ऑन द सबमिट ऑर्डर। इफ यू आर फर्स्ट इन लाइन एट द सुपरमार्केट विद मिल्क, समझिए पहले, इफ यू आर फर्स्ट इन लाइन इन द सुपरमार्केट विद मिल्क, यू डोंट केयर हु इज बिहाइंड यू ऑन द अदर हैंड। तो आपको चिंता नहीं करनी कि आपके पीछे कौन है, आपके दूसरे हैंड में कौन है। अगर आप सुपरमार्केट में दूध के साथ दूध लेने के लिए गए या बैठे आप फर्स्ट इन लाइन में हैं, तो उसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, बैड फॉर शॉर्ट जॉब। लेकिन राउंड रॉबिन स्कीम में क्या होता है कि ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ स्लीपिंग टाइम, यूजुअली 10-100 मिनट। आफ्टर क्वांटम एक्सपायर द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड एंड एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। तो सपोज एन प्रोसेस इन रेडी क्यू एंड टाइम क्वांटम इज क्यू मिलीसेकंड, तो ईच प्रोसेस गेट्स 1/n ऑफ द सीपीयू टाइम। प्रत्येक प्रोसेस को 1/n सीपीयू टाइम मिलेगा इन चंक ऑफ एट मोस्ट क्यू मिलीसेकंड। व्हाट इज द मैक्सिमम वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस, ये दिमाग में बात आती है क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आया कि नो प्रोसेस वेट फॉर देन n माइनस 1 इनटू क्यू टाइम। कोई भी प्रोसेस है वेट मोर देन एन माइनस वन क्यू टाइम यूनिट, ये रहेगा। अब इस स्कीम में देखते हैं कि ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ क्यूबिक टाइम यूजुअली। अब देखिए परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ क्यू, तो जो स्मॉल क्यू है क्वांटम जो है वो ग्रेटर देन इंटरलीव लार्ज क्यूज लाइक क्या हो सकता है पता नहीं। तो क्यू मस्ट बी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, अदरवाइज ओवरहेड इज टू हाई, स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बार बार होती है, ये आप जानते हो। तो उसने कहा कि अगर क्यू आपका लार्ज है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम अदरवाइज, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम अदरवाइज ओवरहेड टू हाई, अगर स्मॉल है तो बहुत ज्यादा ओवरहेड बढ़ेगा। अगर टाइम स्लाइस ज्यादा है यानी कि ज्यादा हम प्रोसेस को सीपीयू दे रहे हैं एक बार, तो ऑब्वियसली जल्दी खत्म हो जाएगी प्रोसेस, वेटिंग भी कम होगी और कॉन्टेक्स्ट स्विच का ओवरहेड भी नहीं बढ़ेगा। तो अब यहां पे आता है कि देखिए स्मॉल अगर लाइक लार्ज क्यू इज लाइक एफसीएफए, अगर क्यू बड़ा है तो आपका वो एफसीएफए की तरह दिखेगा, क्यू अगर स्मॉल है तो वो फिर इंटरलीव्ड है यानी कि कहीं ना कहीं। अब क्यू मस्ट बी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम अदरवाइज ओवरहेड टू हाई, ठीक है, जैसे मैंने बताया। ये देखिए जैसे हम ये अलग प्रोसेस ले थोड़ी देर के लिए, क्वांटम यहाँ 4 दे रखा मैंने, प्रोसेस है P1 P2 P3 बस टाइम 24। तो जो गैंट चार्ट दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि जो P1 है हमने 4 सेकंड दे दिया क्योंकि 4 सेकंड कह रहा है, तो 4 सेकंड दे दिया, P2 7, P3 10। अब ये कहता P1 देखो कितनी बार बढ़ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये गैंट चार्ट देखिए आपके कंप्लीट हो गया, जैसे कि आपने देखा।
तो आप देखिए किस एग्जाम्पल, अब वेटिंग टाइम अगर हम देखें, वेटिंग टाइम देखिए P1 का, तो कहाँ समाप्त हुआ? P1 का वेटिंग टाइम अगर देखिए 10 ही है, तो 10 माइनस 4 करें तो 6 आपका निकल आएगा। ये देखिए, क्योंकि P1 जो है कितना इंतजार किया आप पहले, ये देखिए ये 3, 7 में 4 गए 3, 10 में 7 गए 3, 3 3 6, 6 सेकेंड हुआ। P2 देखें तो P2 आपका 4 में लग गया, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4 रहा। P3 आपका 7 रहा। तो कंप्लीशन टाइम अगर देखें तो P1 का 3 है, ये देखिए P2 को कितना है, P2 का आपका 7 है, P3 कितना है, यहाँ 10 है। एवरेज वेटिंग टाइम आप अगर देखें तो 5.67 है, और एवरेज कंप्लीशन टाइम देखें सबको जोड़ दें, इनको जोड़ दें तो 15.67 मिली सेकेंड के आसपास आता है। तो टर्न अराउंड टाइम वेरीज विद द टाइम पॉइंट, ये प्रोसेस है, ये टाइम है। इसी तरह एक्सप्रेस करेगा कि 6, 3, 9, 10 यानी इस तरह हम देखिए टाइम क्वांटम को, तो इस तरह आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करेगा। सपोज करो एग्जाम्पल मैंने दे रखा ये वाला, देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखा, ये तो बहुत ज्यादा बज टाइम दिया हुआ है, ये आपका गैंट चार्ट बना हुआ है, 20 क्वांटम संख्या। तो प्रोसेस कैन फिनिश बिफोर द टाइम क्वांटम एक्सपायर एंड रिलीज द सीपी। तो P1 को 20 हमने दे दिया, फिर P2 आया, P2 8 ही सेकंड ले रहा, खत्म हो गया। P3 आया, 20 लिया, P4 भी 20 लिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें इसी तरह P1 फिर P3 फिर P4 P1 P3 एंड P3, ठीक है। तो वेटिंग टाइम अगर देखें P1 का, तो आप ही देखिए कि आपका यहां पे तो जीरो रहा, तो इस यहां पे 68 में लगा, 68 में आप 20 घटा, एक सिस्टम ये रहेगा, दूसरा है आपका 112, 112 में आप यहां पे 88 घटा दो, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका कितना निकला, 72 निकला। वैसे तो आप निकाल सकते हैं अराइवल टाइम जीरो मान के, सारे मैंने फार्मूले आपको बता रखे हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, सारा चीज निकल आया, ये निकल आया। और इस तरह ही आपका कंप्लीशन टाइम और वेटिंग टाइम दोनों यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर टाइम क्वांटम बढ़ता है तो पर्टिकुलर प्रोसेस की वेटिंग तो बढ़ जाएगी, नो प्रॉब्लम, प्रोसेस की वेटिंग तो बढ़ जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सीपीयू है 20 सेकंड के बाद किसी न किसी को मिलेगा, हर 20 सेकंड के बाद हर प्रोसेस को मिलेगा और रिपीट होता रहेगा, यानी सीपीयू मैक्सिमम टाइम के लिए एक प्रोसेस को मिल जाता है, और प्रोसेस को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उसका तो काम चल ही रहा है। देखिए इसका प्रोसेस बेटर फॉर जॉब शॉर्ट जॉब, शॉर्ट जॉब के लिए बेटर, फेयर भी ठीक है, कॉन्टेक्स्ट टाइम एड अप टू लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग जॉब, लॉन्ग जॉब है तो आपका कॉन्टेक्स्ट बढ़ेगा, ठीक है। इफ द चूजन क्वांटम इज टू लार्ज रिस्पॉन्स टाइम सफर करेगा, इनफिनाइट परफॉर्मेंस इज द सेम एज ए पीपू, टू स्मॉल थ्रूपुट सफर एंड परसेंटेज ओवरहेड ग्रो, एक्चुअल चॉइसेस ऑफ टाइम स्लाइसेस, ये सारी चीजें यहां पे रहती है। अगर हम कन्वर्टेड कंपेयरिंग करें इन दोनों की, तो जीरो कॉस्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इन आर आर ऑलवेज बेटर देन एफसीएफ। एज्यूम 10 जॉब्स हैं, ऑल स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड ईच रिक्वायर्स 100 सेकेंड ऑफ सीपीयू टाइम। देखिए 10 जॉब्स हैं, एफसीएफ से देखिए दिया, तो आर आर शेड्यूल क्वांटम ऑफ 1 सेकेंड, तो कंप्लीशन टाइम सीपी, एफसीएफएस आर फिनिश एट द सेम टाइम, तो बट एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज मच वर्क अंडर आर आर, तो बैट वेन आर द जॉब आर सेम लेंथ, सभी की सेम लेंथ है तो आपको दिक्कत नहीं। ऑल्सो इसमें हम ये देखते हैं कि टोटल टाइम फॉर राउंड रॉबिन लॉन्गर इवन द जीरो कॉस्ट कॉन्टेक्स्ट, अगर
आपका राउंड रॉबिन में लॉन्गर, अगर आपका मतलब कि टाइम स्लाइस फॉर लॉन्गर है तो इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ता। अगर क्वांटम आपका कम होता है और जॉब ज्यादा है, यानी उसका जो है एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बार बार करें। ओके, तो ये था राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो मैंने आपको भी बताया। अब मैं नेक्स्ट, यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा, आगे जो लेक्चर होगा वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पर होगा, कैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करते हैं। ओके, थैंक यू।